अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अजीत दान अहमद रात देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर्मेचर रिमाइंडर। लेकिन जनाब आज की वीडियो एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। ये देखो आपके मैंने इसको जो ना अभी चला रहा हूँ, तो ये ग्रीन कलर का जो है ना एक स्पार्क जो है वो बिल्कुल बन रहा है कम्यूटेटर का बिल्कुल राउंड में, ठीक है। तो इसे किस तरह ख़त्म किया जाता है इंशाल्लाह वो टिप आपको जो है ना आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो जनाब एंड तक लाजमी देखिएगा, ठीक है। आप देखो कि ये मकीटा मॉडल का कटर था, ठीक है जी, मकीटा सिल्वर बॉडी। अभी इसे मुकम्मल मैंने असम्बल नहीं किया, सिर्फ आपको ये चीज़ समझानी थी और बतानी थी, ठीक है। तो अभी मैं इसे खोलता हूँ और खोल के आपको दिखाता हूँ कि आर्मेचर की पोजीशन क्या है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें जो नए दोस्त हैं, ठीक है जी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक लाजमी कीजिएगा, ठीक है जी। जय कोई पॉइंट भी देखो जनाब आप जो है ना वो लहदा कलर का नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, सारे एक जैसे हैं, स्पीड पूरी है इसकी, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह इसका अब हल करेंगे। सबसे पहले इसको लगाएंगे यहाँ पे टूल और लेथ मशीन के साथ, इसकी अच्छी तरह सफाई करेंगे, इसे पॉलिश करेंगे और इसके बाद में इसका पॉइंट आपको चेक करवाऊँगा मैं। नहीं जनाब देखें, लेथ मशीन से मैंने जो है ना फेस तो किया, लेकिन इसका पॉइंट जो आप देखो कि आपस में सारे जो है ना शार्ट हो गए हैं। लें जनाब पॉइंट की मैं अच्छे तरीके से सफाई भी जो है ना वो कर चुका हूँ, आप देखें कि जो है ना बिल्कुल भी किसी पॉइंट की शॉर्टेज नहीं है। तो उसे सबसे पहले रोलर मशीन पे चेक करेंगे। ये आ गई जी हमारी रोलर मशीन, इसे ऑन करेंगे। लें जनाब इस टाइम कोई भी पॉइंट इसका जो है ना वो शॉर्ट नहीं है। तो अब इंशाल्लाह इसे दोबारा पहले असम्बल करेंगे, इसे चेक करेंगे, उसके बाद इसके पॉइंट में जो स्पार्क आ रहा है वो इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। वो कैसे करेंगे और वो कैसे उसकी निशानी क्या होगी वो अभी इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। नहीं जनाब इस तरह जब आप इसे दोबारा संभल करें तो इस पर आपने लोड लाजमी डालना है, ठीक है। लोड डालेंगे तो इंशाल्लाह वो पॉइंट जो है ना हमारे सामने आ जाएगा। अभी मैं इसको दोबारा खोलता हूँ, वो देखने वो पॉइंट सामने आ जाएगा। ये देखें जनाब सारे पॉइंट इसके जो है ना वो एक जैसे हैं, ठीक है जी। अब जोन सा पॉइंट ये ग्रीन वाला स्पार्क कर रहा है ना वो इंशाल्लाह सामने शो हो जाएगा। ये देखें आप, ये वाला पॉइंट, ठीक है जी। इसके दरमियान में आप देख रहे हैं ये ब्लैक हो रहा है, ये देखें आप, ये दरमियान से ब्लैक हो रहा है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट जो है ना ये हमारा स्पार्किंग कर रहा है, ये जो ग्रीन वाला स्पार्क है। ग्रीन वाला स्पार्क का मतलब है कि दोनों में से एक पॉइंट जो है ना वो बंद हो गया, ठीक है। और अगर ऑरेंज कलर का स्पार्क हो, ठीक है, तो उसका मतलब है कि ये पॉइंट आपस में जो है ना क्रॉस हो रहे हैं। इस टाइम ये क्रॉस नहीं हो रहे, ये एक पॉइंट बंद है जी। आप अगर सीरीज पे चेक करोगे तो आपको कभी भी ये जो ना बंद शो नहीं होगा, क्योंकि ये जो इसका मिनिमम सर्किट है ये बंद है और इसका मैक्सिमम सर्किट है वो ऑन है। वो आपको जो लंबे सर्किट से है वो शो करा देगा कि ये ऑन है, और छोटे सर्किट से जो बंद है वो शो नहीं कराएगा। इसका जो हल जनाब आपने करना है वो ये करना है कि इनको पहले अच्छे तरीके से साफ़ करना है, और ये पहले आपने लाजमी देख लेना है कि यही पॉइंट है ना जो जो दरमियान में से ब्लैक हो रहा है, ठीक है जी। ये देखते हैं आप जनाब,
आप जब इसे साफ करेंगे आप देखेंगे इसके अंदर जो फाइबर है ना वो भी इसका ना ब्लैक कलर का निकल रहा है, ये जो बैकोलाइट है ठीक है, बाकी समय वाइट है और इसी का ब्लैक निकलेगा ठीक है जी। इसको पहले इस तरह ब्लेड की मदद से अच्छे तरीके से इसे साफ करना है और उसके बाद जनाब आपने लेनी है एक वायर उसी नंबर की जो तकरीबन इसमें इस्तेमाल हो रहा है। ले जनाब आप देख सकते हो कि दोनों पॉइंट के दरमियान को अच्छी तरह साफ़ करके मैंने तार रख के इसके अंदर जो है ना उसे क्रॉस कर दिया आपस में, इन दोनों पॉइंट को आपस में शॉर्ट कर दिया है ठीक है जी। अब इन्हें दोबारा जनाब ग्रोलर पे चेक करेंगे कि ये जो है ख़राब तो नहीं हो जाएंगे या इस पर जो है ना शॉर्ट तो नहीं बोलेगा, पहले इस पर चेक करेंगे इंशाल्लाह फिर इसे दोबारा असेंबल जो है ना करेंगे। ले जनाब देखें आप कि ये बिल्कुल जो है ना ओके शो हो रहा है इस टाइम ठीक है जी, कहीं भी जो है ना ये साथ में मैग्नेट नहीं बना रहा ठीक है जी, क्योंकि ये पॉइंट पहले जो है पीछे से बंद हो गया था इसलिए अगर हम इसे दोबारा क्रॉस भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं होगा ठीक है जी। अब इसे थोड़ा सा दोबारा जो है ना हम पॉलिश करेंगे बिल्कुल पॉलिश रेगमार के साथ, देखें जी ये आ गया जी बिल्कुल पॉलिश रेगमार ठीक है जी। अब इसकी मदद से दोबारा इसके पॉइंट को अच्छी तरह क्लीन करेंगे, लें जी क्लीन हो गए। अब इंशाल्लाह इसे दोबारा संभल करूंगा आपको चेक करूंगा। नहीं जनाब इस पर जितना भी लोड डालेंगे कोई मसला नहीं होगा, इंशाल्लाह ठीक चलता रहेगा ठीक है जी, जैसे ओरिजिनल चलता है, इसमें पावर की कोई कमी बेशी इंशाल्लाह नहीं होगी ठीक है। तो ये पॉइंट जनाब आपको समझाना था, वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी करना जनाब, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें जनाब ठीक है जी। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का जी, अल्लाह हाफ़िज़।